सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बढ़ती महंगाई के विरुद्ध आज पलामू जिला कांग्रेस कमेटी ने डाल्टनगंज के हृदय स्थल छमुहान चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस की शक्ल में छमुहान चौक पहुंचे, हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते नजर आए और अंत में प्रधानमंत्री का पुतला फूका। मौके पर जिला अध्यक्ष बिट्टू पाठक ने कहा कि लगातार बढ़ रही है महंगाई और केंद्र सरकार के लोग चुप बैठे हैं। सत्ता पाने के लिए पिछले चुनाव में केंद्र की सरकार ने महंगाई के नाम पर लोगों को ठगा था और कहा था कि महंगाई कभी नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आई लगातार महंगाई बढ़ रही है और केंद्र सरकार के तमाम, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक, सब मौनी बाबा का रूप धर चुके हैं। आज पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम लोग ने पुतला दहन किया है। मेन इसका उद्देश्य है कि आप लोगों को सभी को पता है, ये देश के 130 करोड़ जनता जानती है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थे तो उनकी बड़ी बड़ी बातें आती थी कि हम पेट्रोल इतना में देंगे, डीजल इतना में देंगे और रसोई गैस इतना में देंगे और महंगाई को में काबू करेंगे। मगर आज इनकी करनी और कतनी में कितना फर्क है ये किसी से छुपा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि आप ये महंगाई पर अभी तक काबू क्यों नहीं पाए? क्या आप सिर्फ सत्ता पाने के लिए लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है? और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी जब तक इनकी करनी और कतनी को फर्क पूरे देश जान रही है। दूसरी बात, आज इनके प्रभारी आए हुए हैं पलामू में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप भी सांसद हैं, इस लोकसभा में आप भी बैठते हैं, आपके अभी बातों पर एक लफ्ज नहीं निकला है महंगाई के लिए। इनके जितने सांसद हैं आप देख सकते हैं महंगाई पर इनकी एक वर्ड नहीं निकला है। और मुझे दुख होता है कि पलामू जिला में 4 MLA होते हैं और सांसद महोदय दो दो आते हैं, एक चतरा के एक पलामू के, इनके बयानों से भी महंगाई पर किसी प्रकार कोई बयान नहीं आया था। मगर आज देश में जो केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं सत्ता पर, उनके बातों को आप 2014 के बयानों को सुनिए, कैसे लोगों को बरगलाने का काम ये देश के सरकार ने किया है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है और इसका मुखिया कोई है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और इनके एक और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। मगर कांग्रेस पार्टी इनकी हर बातों को लोगों तक पहुंचाएगी, ये जो ठग वाली जो पार्टी है इनको बताने का काम करेगा। दुख होता है आज एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोगों को पीठ में चाबुक मारने का काम तो हो ही रहा था, एक आपदा भी आया कोरोना के नाम पर, मगर उस आपदा में भी केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया, इनके MP के द्वारा एक बयान नहीं आया ये वैक्सीन को लेकर। हम लोग मांग करते रह गए आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कि हमें वैक्सीन इतना चाहिए, मगर केंद्र की सरकार वैसे वैसे प्रदेशों में जहां इनकी सरकार नहीं है उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम प्रभारी से इनसे पूछेंगे, सभी को बातों को लोगों के बीच में बताने का काम आप कीजिए।